नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। क्या लगता है जिस तरह से एमएलसी चुनाव के जो परिणाम आए, कांग्रेस 16 सीट पर चुनाव लड़ी, हालांकि कांग्रेस ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला, एक सीट आपने जीत हासिल की है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता के प्रति, मतदाता के प्रति अंतरात्मा से हम आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताया। एक जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बेगूसराय से थे राजीव जी, और दूसरे जो महेश्वर बाबू हमारे समर्थित उम्मीदवार थे मोतिहारी में। हमारे कुछ साथी दल के कहते थे पहले कि कांग्रेस का क्या वजूद है, जब पिछली बार हमने तीनों दल मिलके, महागठबंधन मिलके, नीतीश जी आरजेडी हम मिलके लड़े थे, हमें 4 सीटें दी गई थी और मात्र मैंने 1 सीट जीता था, और इस बार मझधार में हमारे साथी ने हमें छोड़ के गया, तो अपने दम पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमने 2400 प्रत्याशी नहीं उतारा, मात्र 16 प्रत्याशी उतारे, एक को हमने समर्थन दिया और जनता का आशीर्वाद प्यार दोनों सीट जिता के बता दिया कि कांग्रेस का वजूद है, था और रहेगा। जो हमारे वजूद पे सवाल उठाते थे उनको जनता ने दूसरे नंबर पे, मतदाता ने दूसरे नंबर पे रखा, तब जब वो हमारे साथ लड़ते थे, चाहे 2009 हो, 2010 हो, या दो छोड़ दिए तो सड़क पे थे, 2015 और 20 में हमको पकड़े थे, नंबर 1 के पार्टी बने, फिर छोड़े थे नंबर 2 और निचले स्थान पे चले गए, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को भी सबक लेने की ज़रूरत है कि यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ का है। चूँकि आरजेडी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी 2 सीटें जीती हैं, 4 निर्दलीय ने भी जीता है, और वो 21 से 13 पे आ गए हैं। अगर महागठबंधन होता तो एनडीए का सुपड़ा साफ होता, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो कुछ भी सीटें जीती हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ आरजेडी है, और आरजेडी के कारण उन्होंने उतना भी सीट जीत पाया, अन्यथा गठबंधन परिपक्वता के साथ, अगर मजबूती के साथ होता, आज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी सीट के लिए ललायित हो जाते। लेकिन फिर भी आरजेडी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आरजेडी का साफ तौर से कहना है कि अभी भी कांग्रेस के पास समय है, अगर समय रहते, अगर वो सचेत हो जाते हैं तो मुकाबला जो हम कर रहे हैं एनडीए से उसमें हमें कमजोर नहीं बनना पड़ेगा। आरजेडी को मौका है संभलने का, आरजेडी संभले कि 2015 में महागठबंधन में मेरे साथ आए, नंबर 1 के पार्टी रहे, तब जबकि 2009-2010 में हमको छोड़ के गए तो 2 सीट लोकसभा में मिला, विधानसभा में 22 सीट पर सिमट गए, हाँ हम भी 4 सीट जीते, लेकिन 15 में मेरे साथ आए तो नंबर 1 के पार्टी बने ना, 20 में नीतीश कुमार छोड़ के भी चले गए तब भी मैंने आरजेडी को नंबर 1 पार्टी बना के रखा, और उपचुनाव में हमको छोड़े तो 0 हो गए, इस चुनाव में हमको छोड़े तो क्या परिणाम आया कि तीसरे नंबर पर चले गए। तो हमको जब जब आरजेडी पकड़ता है तो नंबर 1 के रहता है, अगर नंबर 1 के नेता बनना है तो साथियों को सम्मान देना पड़ा, रखना संभलना है, अगर आप दूसरे नंबर पर प्रतिपक्ष में ही खुश हैं तो आप खुश रहिए, अन्यथा जनता और हम तो चाह रहे थे कि आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपके दल को मुख्यमंत्री बनाए, तो आरजेडी में कोई है जो चाहता है कि तेजस्वी यादव नंबर 1 के नेता न बने? बिल्कुल, आज बीजेपी के द्वारा सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? जदयू जो है इसको नकार दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी या जेडीयू सरकार में है, सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों पे गठबंधन के एक दल का समर्थन और एक दल का प्रतिकार क्यों? आखिर सरकार क्यों नहीं मना रही है सम्राट अशोक की जयंती? भाजपा अलग से क्यों मना रही है? क्या सम्राट अशोक के अस्तित्व को सिर्फ राजनीति से जोड़ा जा रहा है? क्या सम्राट अशोक के अस्तित्व को सिर्फ वोट से जोड़ा जा रहा है? उनके स्वाभिमान के साथ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों का दरकिनार कर रही है, यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट अशोक के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने अपने स्वाभिमान से जोड़ के सिर्फ राजनीति से जोड़ा है, उनके स्वाभिमान से नहीं जोड़ा है। आज जिस प्रकार से सम्राट अशोक का तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों मिलकर कर रहे हैं, एक वोट के लिए पूरी तरह बैनर और पोस्टर लगाए हुए हैं, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री को दरकिनार किए हुए हैं, यह पहली बार है कि सत्तारूढ़ दल सम्राट अशोक की जयंती मनाए और उसमें से मंत्रियों का चेहरा हो, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो, उनके नेताओं का चेहरा हो और मुख्यमंत्री का चेहरा गायब है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री भी बिहार से या एनडीए से गायब हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर। इस खबर पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।